सबसे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का और विशेष करके कैप्टन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आज जो ये दुनेरा से सुलियाली की सड़क है इसको अपग्रेड करने के लिए जो 6.5 करोड़ के लगभग की राशि धनराशि मैंने पत्र लिखा था कैप्टन साहब को, उन्होंने मंजूर कराया। बाद में सिंगला साहब मंत्री बन गए, इन्होंने उसमें योगदान दिया और इसमें बड़ा योगदान सांसद महोदय का भी रहा, इन्होंने बहुत समर्थन किया हमारा इस बात पे। जहाँ तक आपने बात ड्रग्स की पूछी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि हमने ड्रग्स का जो ये हालात बनाए हैं अकाली बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में, इसको ख़त्म करना है। आप चाहे अफसरों की बात करें चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी जब जांच हो जाएगी कोई भी इसमें अगर दोषी पाया जाएगा तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पर अभी तो कोई बातें सामने जब आएंगी तो वो चाहे अफसर हों चाहे जो मेरे से पहले जाकिर साहब ने बात कही कि बदनाम किया पॉलिटिकल सिस्टम को, मैं तो कहती पूरे राजनीतिक जो हमारा सिस्टम है उसको पूरा जो है बदनाम किया अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जाकिर साहब उस वक्त CLP के नेता थे, जब ये विषय विधानसभा में उठाते थे उस वक्त ये जो अकाली है इनको तब याद नहीं आई। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सख्ती दिखा रहे हैं, उनकी सरकार जो है दृढ़ निश्चय है इस बात पर, तब इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो व्यापारी है अल्टीमेटली जिसको कहते हैं अंत में जो सामने आएगा उससे ये डरे हुए हैं।